प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में स्थापित धान खरीद केंद्र किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। बीते 15 दिनों के भीतर यहां 11,152 क्विंटल से अधिक धान की खरीद हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष यहां 70,000 क्विंटल धान की खरीद हो पाएगी। यहां धान बेचने पहुंचे किसान जसबीर सिंह ने बताया कि धान खरीद केंद्र में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं और साथ ही किसानों को 24 घंटे के भीतर बेचे गए धान की धनराशि भी प्राप्त हो रही है। धान की खरीद हो रही है, सन 2024 का खरीद सेंटर चल रहा है। ये खरीद सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत आ रही है किसानों को फड़ की, जो मंडी का एरिया है वो कम है। इतने पांवटा वैली का जो धान है उसके लिए एरिया बहुत कम है। किसान को पर क्विंटल 2320 रुपये का रेट मिल रहा है धान का, और ये सही टाइम पर पेमेंट हो रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसानों को इसमें आज के टाइम में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ठीक टाइम पे माल तुल रहा है और ठीक टाइम पे पेमेंट लग रही है। लगभग 4 साल से पांवटा में धान खरीद शुरू हो गई है, इससे हम हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं पांवटा साहिब धान खरीद केंद्र के प्रभारी अंकुश ठाकुर ने बताया कि अब तक इस केंद्र में धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया अब तक 202 किसान अपनी धान बेचने यहां पहुंचे हैं और जिनमें से 140 किसानों को उनके खेतों में धान राशि जो धान है वो अच्छी तरह से उगाया गया और खातों में धनराशि जो है वो भी डाल दी गई है। साथ ही 24 घंटे के भीतर अन्य बचे किसानों को भी राशि भेजी जा रही है। अभी तक हमारे पास जो है 2605 जो किसान है वो रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से 202 किसान हमारे पास यहाँ पे अपना धान लेकर आ चुके हैं। इसमें हमने 11,152 क्विंटल धान है जो वो खरीद लिया है और 144 जो किसान है उनकी पेमेंट खातों में हो चुकी है, जबकि 58 की लोगों किसानों की पेमेंट हमारे पास पेंडिंग रहती है। इसमें किसानों की जो है पेमेंट 24 घंटों के अंदर किसानों के खातों में आ रही है।